बलदेव का मेरे मौसी फलाने ससुर दिमाता है, जब चोरी करता रहा तब पूछे पूछ के किया था तूने, का नाम लगा पिछली गांव से यही है कोतवाली बोलो गंगा तेरे चालू नाम इसका तो कार में हरिलाल है, इसका नाम हरिलाल कौन नंबर देगा, 1000 रुपये लेगा और नंबर भी देगा, जो नंबर लगाए नहीं लगता अभी मैं कहने लगी तुम्हें हमारे नंबर देगा नंबर बिहार पर हमको पैसा लेते सब बताएगा जिम्मेदारी है भाई भैया ससुर आ रहे पहुँच हम क्या तुम्हारा फिन का उनका कैसे लोग नाम है आपका कौन सा गांव है अच्छा ये बताइए किस तरह से यहाँ पर पैसा वसूली हो रही थी ये हम दरवाजा लगे थे हमारे हम खाना बना रहे थे तो हम दरवाजा खटखटाए कह रहे थे ये बाहर निकलो मैंने कहा क्या है कहे हम मैं बैच वाला हूँ और तुम बिल नहीं भरा है इसलिए मैं तुम्हें पकड़ वो पुलिस खड़ी है और लेडीज पुलिस है जेंट्स पुलिस है जल्दी पैसे निकालो हम नहीं निकाल रहे थे कहते अगर नहीं निकालोगी तो घर में पकड़ जाओगे तुम अच्छा डर के बारे हमने दे दिया है कितने दे दिए थे 500 रुपये दिए अच्छा तो क्या बिजली कर्मचारी बन करके पैसा आप लोगों से लिया जा रहा था क्या हाँ कहते मैं सरकारी हूँ अभी तुम मेरा कानून नहीं जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ अच्छा क्या अधिकारी क्या पद बता रहा था अपना कहते मैं बैच हूँ अच्छा कितने लोग और थे ये लोग कुछ जानकारी है दो लोग थे अच्छा एक बुढ़ा था और एक अपना था अच्छा ये लोग कहाँ के हैं कुछ जानकारी हुई है आप लोगों को ये पता नहीं कहते तो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है अरे पैसा दे मैं बैच खड़ा हूँ नहीं पुलिस आने वाली है तो मैंने डर के मारे दे दिया घर में कोई नहीं था अच्छा भैया क्या नाम है तुम्हारा हरियाणा कहाँ के हो तुम लोग ये बताइए आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे हम आए थे यहाँ आए रहे सुनंदन था मैं कि मामा मिलो कहा था मुझे 1000 रुपये चाहिए 1600 रुपये चाहिए कहा 1000 रुपये दी नहीं अपने घर से तुम अवैध किस लिए कर रहे थे किस लिए तुम अवैध वसूली क्यों कर रहे थे लगवा के करा है ना जेई एक्सेल बन के आप अवैध वसूली करोगे अगर आपको 1000 चाहिए आप लोग क्या क्या हैं अभी मैं कुछ नहीं हूँ मैं पहले तो बिजली बिजली बनावत रहा हूँ अच्छा वो लाइन मैन खत्म हो गया बेचारा उनके साथ है आप काम करवा रहा हूँ मजदूरी कर रहा हूँ तो आप यहाँ मौकर मौकर गाँव में आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर त्यार रहो था मैं तुम हमारा कहा रहो कहा मुझे पैसा चाहिए 1600 रुपया 1600 रुपया कहे के लिए चाहिए कहा तक कहा मुझे लड़का के अपने ब्याह कराओ 1600 में वही तो फिर तुमने गांव में वसूली चालू कर दी आप जानकारी ले लो जिसके सामने मैं पैसा दिया तो क्या आप लोग किस तरह से वसूली कर रहे थे क्या मीटर चेक कर रहे थे क्या कर रहे थे पर्ची स्लिप निकाल रहे थे क्या कर रहे थे आप लोग नहीं वो कात रहोगा इतना तक का किस तरह किस तरह किस तरह किस तरह कह रहे थे अच्छा कागज दिन है पैसा दिन है तो मौका इनसे पैसा लेके वही दे दिन है सामने अच्छा क्या करते थे आप लोग क्या स्लिप निकालते थे पर्ची निकालते थे किस तरह करते थे कटिया पकड़ते थे कटिया चेकिंग कर तो पैसा मिली अच्छा तो आप चेकिंग कर रहे थे पैसा दे दिए अच्छा कितना आप लोगों ने पैसा वसूला है 1600 रुपये रहो है बाबू जी तो मैं 500 रुपये मैकू एक बार और कर चुके हो इसी तरह छोड़ दिन मैं कान पकड़ ली अच्छा इसका कौन सा कान पकड़े इसके पहले भी आप लोग कर रहे थे इसका सरगना है कोई कौन है पूछ लो कौन है सरगना आप लोगों का दूसरा कोई आओ क्या बच्चू नाम है अच्छा क्या गैंग चलाते हो गैंग चलता है आप लोगों का आप लोगों के साथ में और कौन कौन है कितने लोग हो आप लोग दिन वह है आओ क्या कितने लोग हो आप लोग 4 आदमी कौन बाकी लोग कहाँ हैं रोशन नाव है और आउ गांव का है बच्चू रोशन कहाँ का है यही हमारे मामा का लड़का है वह कौन से गांव का मोहकर का मैं तो गुरा के आ रहा हूँ अरे मामा का लड़का आप लोगों को डर नहीं लगता ये सब करते हुए अरे मैं तो छोड़ दी रहा हूँ मैंने आ रहा हूँ कहा मुझे पैसे की जरूरत है तब दिमाग से पैसा कमा के दे मौके मारा हुआ यही नहीं मौजूठा बच्चा है
मैं गलत हो तो मुझे जान से मार दे, मैं गलत नहीं हूँ। ये लड़का है भाई, आप लोग बिजली बिजली आप लोग बिजली 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 अधिकारी बन करके, बिजली कर्मचारी अधिकारी बन करके इस तरह दूर हूँ मैं, छोड़ दी कान पकड़ कर। तो ये फिर आज कैसे आप लोग फंस गए, किस तरह से वसूली कर रहे थे आप लोग? वो कहते तो पास दिमाग है, मैं कुमाऊँ का मैं चलत हूँ, वो साथ है आओ यहाँ बही रहो है, उनके हाथ में पैसा 500 दिन है, बता दे सामने घर है।